नमस्कार। जिसको हम टाइम, समय या काल कहते हैं, वह दो तरह का होता है, ऐसा सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। लोकानाम अंतकृत कालः कालो अन्य कलनात्मकः। अर्थात ये टाइम या काल दो तरह का होता है। एक काल मीन्स डेथ, जो हम सब का अंत कर देता है, और दूसरा काल जो कि कलनात्मक काल है, दैट मीन्स डिविजिबल या मेजरेबल टाइम, जिसको हम ईयर, डे, आवर और मिनट्स में मेज़र कर सकते हैं, उसको भी काल कहते हैं। अब ये जो मेजरेबल टाइम जो है, ये डिविजिबल जो टाइम है, वो दिखाने का काम वॉल क्लॉक करती है। अब शास्त्रकारों ने इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके ये कहा कि ये जो मेजरेबल टाइम है, कलनात्मक काल है, वो भी दो तरह का होता है। एक स्थूल काल जो अभी कितने बजे वो दिखाता है, लेकिन काल का एक दूसरा स्वरूप भी है, और वो ये है कि हमारा कैसा समय चल रहा है, या हमारा समय कैसा रहेगा, या हमारा लक कैसा रहेगा। सो वॉल क्लॉक दो चीज़ें दिखाती है, एक कितने बजे है वो, और दूसरा हमारा लक कैसा रहेगा या लक कैसा है वो। एंड दैट्स व्हाई वॉल क्लॉक कहाँ पर रखनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र में गाइडलाइन दी गई है। वास्तुशास्त्र के प्रमाणभूत ग्रंथ सम्रागण सूत्रधार के ऊपर एक टीका लिखी गई, और उसके ऊपर उसमें यह सूत्र दिया गया है, काल निर्णयम दिक्पाले ही कुर्वित। सो वॉल क्लॉक कहाँ पर लगानी चाहिए, उसका जो डिसीजन हमें लेना है, उसको हमें हमारी जो आठ डायरेक्शन होती है, वो जिसको हम एट लॉर्ड्स ऑफ द डायरेक्शन कहते हैं, दिग्पाल जिसे कहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझकर हमें उस दिशा में वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। सो हमें वॉल क्लॉक लगाने से पहले आठों दिशा के जो दिग्पाल हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि हम उस दिशा में वॉल क्लॉक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। और हमारी जो मुख्य चार दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके जो मुख्य दिक्पाल है, उसके बारे में बात करते हुए मय मतम में यह सूत्र दिया गया है, पूर्वे इंद्रः, दक्षिणे यमः, पश्चिमे वरुणः, उत्तरे कुबेरः। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो ईस्ट में या पूर्व दिशा में वॉल क्लॉक रखना शुभ माना गया है। वैसा करने से सोशल सर्कल एनहांस होता है, हम समय पर काम कर पाते हैं, और उसके कारण एक तरह की हमारी रेपुटेशन बढ़ती है, और बहुत सारे मीनिंगफुल लोग हमारे साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, और उससे एक तरह की मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश होती है, और हमारा लक एनहांस होता है। ईस्ट के बाद जो डायरेक्शन है, उसके बारे में बात करते हुए ये कहा गया है कि साउथ में यम नामक दिक्पाल है, तो साउथ में वॉल क्लॉक नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर वॉल क्लॉक रखने से एंजाइटीज बढ़ती है, अनवांटेड इवेंट्स ज़्यादा बनते हैं, समय को लेकर एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट बना रहता है, लक साथ नहीं दे रहा है, उस तरह की कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती है, और इन टाइम हम किसी भी तरह का काम डिलीवर नहीं कर पाते। सो एक तरह की एंजाइटी बनी रहती है, और एक तरह का दुख भी बना रहता है। वेस्ट डायरेक्शन में वॉल क्लॉक रखना मीडियम माना गया है। वहाँ पर वॉल क्लॉक हो तो आप ये फील करो कि एज इफ टाइम बहुत जल्द जा रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, और आपको अपने टास्क कंप्लीट करने का मौका ही नहीं मिलता, और बहुत सारे अनफिनिश टास्क आपको परेशान करेंगे। उस तरह के वास्तु में रहने वाले या उस तरह के वास्तु में काम करने वाले लोग कभी कभार लेड बैक एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, और कभी कभार टाइम के बारे में वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। वो जब ये बोले कि मैं 5 मिनट के बाद मिलूंगा, उसका अर्थ ये होगा कि आइदर वो 15 मिनट के बाद मिलेंगे या आधा घंटे के बाद मिलेंगे। सो दे आर नॉट रिलायबल एज फार एज टाइम कीपिंग इज कंसर्न।
नॉर्थ डायरेक्शन में वॉल क्लॉक रखना अति शुभ माना गया है। आप समय को मैच कर पाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी और उस सभी अपॉर्चुनिटी को आप एनकैश भी कर पाओगे, और जो समय आपने बताया होगा वही समय पर आप अपना काम डिलीवर करने के कारण एक तरह की ऑथेंटिसिटी आपकी बढ़ेगी और आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा। आप लक आपका एनहांस हो, उस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को विटनेस करोगे। अब हमारी चार मुख्य दिशाओं को देखने के बाद हमारे जो फोर कॉर्नर्स है, जिसको कौन कहा गया है, उसके जो दिक्पाल है उसके बारे में बात करते हुए विश्वकर्मायाम वास्तु में यह श्लोक दिया गया है, पूर्वोत्तरे ईशानः दक्षिण पूर्वे अग्निः दक्षिण पश्चिमे निरुतः पश्चिमोत्तरे वायुः। अर्थात श्लोक को डिकोड करके समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण में वॉल क्लॉक रखना शुभ माना गया है। उस तरह के लोग टाइम को सर्वोपरि मानते हैं, वो समय को एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं, वो बहुत ही पंक्चुअल होते हैं और एक तरह का समय के साथ उनका जो संबंध होता है वो अच्छा संबंध होता है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलती है और जो समय उन्होंने कहा था उस समय में वह चीज़ कंप्लीट करने के कारण एक तरह की पीस ऑफ माइंड भी होती है। अग्नि कोण में या साउथ ईस्ट में वॉल क्लॉक रखना अति अशुभ माना गया है। उस वास्तु में रहने वाले या काम करने वाले लोगों को समय संभालने में बहुत ही दिक्कत होती है, समय उनके लिए एक तरह से बर्निंग इश्यू होता है और इसी कारण से उनके अंदर एक तरह की एंजाइटी बनी रहती है। टास्क कंप्लीट नहीं होते, अनफिनिश वर्क बढ़ता ही जाता है और ऑलवेज ऑन अ चेज टू कीप टाइम। सो साउथ ईस्ट में वॉल क्लॉक नहीं रखनी है। साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोण में वॉल क्लॉक अति अशुभ मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि ये लोग कभी भी अपना टाइम, जो टाइम उन्होंने बताया है उस टाइम पर कभी भी अपना काम भी नहीं करते और इवन इन पार्टीज़ ऑल्सो ये लोग कभी भी जो समय उन्होंने बताया है उसको वह फॉलो नहीं कर पाते। उनकी इम्प्रेशन भी एक तरह की नॉट रिलायबल पर्सन उस तरह की क्रिएट होती है। सामाजिक स्तर पर उनको काफ़ी अपकीर्ति मिलती है क्योंकि इनको अगर काम सौंपा तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ये उस तरह का ये एटीट्यूड या उस तरह की बातें हम उनके बारे में बार बार सुनते हैं। तो साउथ वेस्ट में यदि आपके घर में या आपकी ऑफिस में वॉल क्लॉक है तो आपको तुरंत हटा देनी चाहिए, आप देखोगे कि आपकी रेपुटेशन में बहुत फर्क पड़ा। नॉर्थ वेस्ट या वायव्य कोण में वॉल क्लॉक मीडियम मानी गई है। ज़्यादातर वहाँ पर वॉल क्लॉक रखने से उन वास्तुओं में टाइम को लेकर एक तरह की रेस्टलेसनेस बनी रहती है। हालांकि वो जो टाइम बताया था उस टाइम में अपना काम कंप्लीट तो कर लेंगे, वो टाइम जो बताया था उस समय पर जहाँ पर पहुँचना होगा वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे, लेकिन एक तरह का टेंशन बना रहेगा, एक तरह की रेस्टलेसनेस बनी रहेगी। एक आठ दिशाओं के बारे में बात करने के बाद एक अन्य सिद्धांत भी सम्रांगण सूत्रधार में घर के लिए दिया गया है और वहाँ पर ये कहा गया है, घंटा गृहेशु परिवर्जयेत। अर्थात वैसी वॉल क्लॉक जिसमें से घंटे की आवाज़ आती है वैसी वॉल क्लॉक घर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऑफिस में या पब्लिक प्लेसेस में उस तरह की रिंग बेल वाली वॉल क्लॉक रखी जा सकती है, लेकिन घर में कभी भी आवाज़ हो उस तरह की वॉल क्लॉक नहीं रखनी चाहिए। मुझे आशा है कि इतने सिद्धांतों को यदि वॉल क्लॉक के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपके वास्तु में सुनिश्चित तौर पर सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु, प्रणाम।